नमस्कार दोस्तों, अब हम जॉन डन की शानदार पोइम गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार का दोस्तों नेक्स्ट स्टंजा पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट स्टंजा जो नाइन लाइंस का था उसके बारे में मैंने आपको बताया था बहुत ही शानदार तरीके से, तो देखिए नेक्स्ट स्टंजा की तरफ हम चलते हैं। पहले मैं आपको पूरा रीड करके बताता हूँ, ध्यान से देखना। इफ दो बी बोर्न टू स्ट्रेंज साइट थिंग्स इनविजिबल टू सी राइड 10,000 डेज and nights till age snow white airs on thee, though when thou will return will tell me and all strange wonders that befell thee, and swear nowhere lives a woman true and fair। तो यहाँ पर हम नाइन लाइन्स का जो इसके स्टांजा है, थ्री स्टांजा इस पोइम में है, लाइन लाइन्स के टोटल 27 लाइन की पोइम है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, राइम्स की मैंने आपको बताई थी वो सेम चलेगी पूरी पोइम में दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए साइट्स ए बी ए, यहाँ पर नाइट्स के साथ राइम कर रही है, बी उसके बाद सी सी एंड डी एंड डी एंड डी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ध्यान से, साइट्स नाइट्स सी दी मी दी डी डी डी, तो यहाँ पर इस तरह से राइम्स की मैंने आपको बता दी है। मीटर के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, एक अलग से वीडियो बना के इस पोएम के पूरे में क्या मीटर यूज किया गया है, मीटर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम पोएम को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए इफ यू, दो का मतलब होता है यू, ये बी की फॉर्म है। इफ यू आर बोर्न टू स्ट्रेंज साइट्स, यहाँ पर जॉन डन कहना चाहते हैं जो कि एक मेटाफिजिकल पोइट है, वो आपको ये कह रहे हैं अपने रीडर को कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी शक्ति है या तुम ऐसी शक्ति लेकर पैदा हुए हो कि तुम स्ट्रेंज साइट्स को देख सकते हो। स्ट्रेंज साइट्स का मतलब ऐसी विचित्र चीजें जो कि नॉर्मल नहीं है, यूजुअल नहीं है, कॉमन नहीं है। अगर तुम्हारे पास ऐसी भी शक्ति है, थिंग्स इनविजिबल टू सी, जिनको आम आदमी नहीं देख सकता या जिन चीज़ों को देख नहीं सकता, और तुम्हारे पास ऐसी शक्ति है कि तुम उसे देख पाओ, राइट 10,000 डेज एंड नाइट्स। तो यहाँ पर देखिए राइट 10,000 डेज एंड नाइट्स, तो यहाँ पर एक यूज किया गया है हाइपरबोल, हाइपरबोलिक का यहाँ पर यूज किया गया है, हाइपरबोल भी बोल देते हैं इसको, अतिशोक्ति कि जाओ 10,000 दिन और रात सवारी करो, मतलब 10,000 दिन रात तुम घूम के आओ, देख के आओ, ढूंढ के आओ, टिल एज स्नो वाइट हेयर्स ऑन दी यू, यानी कि तुम इतना जब इतने दिनों तक घूम जाओगे तो क्या हो जाएंगे, बाल तुम्हारे सफेद हो जाएंगे। कभी कहते जाओ जाओ घुमाओ, अगर तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारे पास ऐसी शक्ति है तो भी जाओ। अब जॉन डन इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा है क्योंकि वो जो इम्पॉसिबिलिटी है उसको शो करना चाह रहा है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, दो का मतलब यू, व्हेन यू विल रिटर्न मी, और जब आप वापस लौटोगे। अब कभी कह रहा है कि तुम चले भी गए, वो सोच रहा है, कल्पना कर रहा है, उसे कह रहा है कि तुम जाओ ढूंढो और जब तुम वापस लौटोगे तब मुझे बताना, ऑल स्ट्रेंज वंडर्स दैट बिफेल दी, कि ऐसी जो बहुत सारी चीजें तुमने देखी, विचित्र चीजें तुम्हारे सामने हैपेंड, बिफेल का मतलब हैपेंड, जो घटित हुई तुम्हारे सामने आई, एंड स्वेयर नो वेयर, परंतु ये बताओ कि तुम ऐसी तुमने क्या सी क्या चीज़ देखा, एंड स्वेयर नो वेयर, क्या तुमने ऐसी चीज़ कहीं घूम पाए, क्या ऐसा घूम पाए जहाँ पर लिव्स अ वुमन ट्रू एंड फेयर, क्या तुम संसार में कोई ऐसी जगह ढूंढ पाए कि जहाँ पर एक वफादार और सुंदर औरत रहती हो। तो जॉन डन देखिए कितने शानदार तरीके से इस पोइम में बता रहा है इम्पॉसिबिलिटी of finding a true and fair woman, fickleness of woman has been described in this poem, fickleness of woman, inconstancy of the woman, इस poem में बताया गया है कि एक woman जो है सुंदर और वफादार दोनों नहीं हो सकती एक ही स्थिति में। तो इन सबको शो करने के लिए कवि ने, poet ने 7 impossible task बताए, और उसके बाद कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास ऐसी शक्ति लेकर तुम पैदा हुए हो कि तुम विचित्र चीज़ों को देख सकते हो तो जाओ 10,000 दिन घूम दिन रात घूम के आओ, ढूंढ के आओ, तुम्हारे बाल सफेद हो जाएंगे,
और फिर आकर मुझे बताना जितनी सारी चीजों में तुम देख के आए हो, क्या कोई ऐसा स्थान मिला? अरे ढूंढ पाए क्या जहां पर कोई ऐसी औरत हो जो बहुत सुंदर हो और वफादार हो? तो देखिए जॉन डन, जो कि एक मेटाफिजिकल पॉइंट है, और अपने पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस से उन्होंने बहुत सारी पोइम्स लिखी। उसी पोइम में से एक पार्ट ये है, इसकी राइम स्कीम सीखी, टोटल 27 लाइन की पोइम है, 3 स्टैंजा। आज हमने सेकंड स्टैंजा सीखा, इसमें हाइपरबली का यूज हुआ। देखिए स्ट्रेंज साइट्स एंड इनविजिबल टू सी, यहाँ पर हमने यूज किया पैराडॉक्स का, पैराडॉक्स। ओके दोस्तों, विरोधाभास, दो ऐसी वस्तुएं, दो ऐसे व्यक्ति जिनके गुण एक दूसरे के विपरीत है, ऐसी परिस्थिति जो बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है। देखिए इनविजिबल टू सी, देखना भी है और दिखाई भी नहीं देती, दृश्य भी है लेकिन अजीब भी है। तो यहाँ पर ये कभी कहना चाहता है पैराडॉक्स, पैराडॉक्स को। एंड स्पेयर लिव्स अ वुमन ट्रू एंड फेयर, लिव्स अ वुमन ट्रू एंड फेयर। यहाँ पर इन्वर्जन है, शब्दों को रिवर्स किया गया है, उनका क्रम बदला गया है, तो यहाँ पर इन्वर्जन का यूज किया गया है। तो दोस्तों सेकंड स्टैंजा हमने सीखा, आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। ये दोस्तों हम इसका पोएम को एक शानदार तरीके से हम इसके टेक्स्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी पोएम को अगर आपने अच्छे से समझना है, उसके किसी भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है, तो आपको उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और अंडरस्टैंड जब आप उस पोएम को कर लेंगे तो बहुत ईजी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं।